दोस्तों, ऐसे सबको पता ही है बिग बॉस में अब फाइनल जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब दिन कम ही रह गए हैं और ऐसे में कम लोग बचे हुए हैं और इन कम लोगों में नॉमिनेशन का टास्क सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है। और इस हफ्ते जो नॉमिनेशन का टास्क होगा, इसमें जो बचेगा वो टिकट ऑफ फिनाली ले सकता है, क्योंकि इस हफ्ते जो बचेगा वो सीधा फाइनल में पहुंच सकता है। दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क में अब ऐसा हो गया है कि एक दूसरे जो साथ में बैठते थे, अब उनको एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग कम बचे हैं। जहाँ निमृत तो टिकट ऑफ फिनाले अभी भी हकदार है उसकी और कैप्टन है, तो निमृत सेफ रहेगी और निमृत करेगी प्रियंका को। वहीं शालीन और टीना एक दूसरे को नॉमिनेट करते हुए नजर आएंगे और वो पहली बार होगा, क्योंकि आज तक इनकी लड़ाई हो रही थी लेकिन एक दूसरे को ये नॉमिनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार नॉमिनेशन के टास्क में वो एक दूसरे को नॉमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और जहां शिव भी टीना को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शिव और शालीन साथ थे, क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही थी इनकी, टीना और शालीन की, और शालीन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो स्टैन और शिव ने उनको हौसला बढ़ाया और बहुत सारी बातें करी। तो ये चीज़ें तो होगी क्योंकि कम लोग बचे हुए हैं, तो एक दूसरे पे आरोप भी लगाएंगे, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, क्योंकि इस बिग बॉस के हाउस में अकेला रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी जब टीना कल मेडिकल रूम में भी गई थी, तब भी प्रियंका बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अब प्रियंका को भी साथ चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई अकेले नहीं खेल सकता। अब तो आज के एपिसोड में ही पता चलेगा कौन किसको नॉमिनेट करेगा और कौन नॉमिनेशन में जाएगा, लेकिन जो जाएगा इस बार उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि इस बार नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि अब कम ही दिन बचे हैं और इन कम दिनों में कोई भी घर नहीं जाना चाहता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मैटर पर हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।